मिले हुए समय को ही अच्छा बनाएं दोस्तों, अगर अच्छे समय की राह देखेंगे ना तो पूरा जीवन कम पड़ जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य सचिन कुकृति आपका अपने चैनल नीलकंठ ज्योतिष में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आज का ये ज्योतिष का कार्यक्रम आपके लिए यानी कि मीन राशि के लिए, पाइसेस साइन के लिए बहुत खास कार्यक्रम है, बहुत विशेष कार्यक्रम है। साल 2024 के अंतिम तीन महीने, लास्ट अक्टूबर नवंबर दिसंबर 2024 कैसा रहेगा आपके लिए, और ना केवल कैसा रहेगा, आपके जो भी प्रश्न होंगे ना, हाँ जो भी आप जानना चाहते हैं, सभी प्रश्नों के सटीक जवाब मिलेंगे आपको गोचर में कि ग्रह कहाँ कहाँ पे हैं, ठीक है, और कब परिवर्तन करेंगे, क्या आपको फल देंगे आपके जीवन में। 7.5 चल रही है शनि की अभी आपके जीवन में, और शनि वक्री भी हैं प्लस शनि मार्गी होंगे 14 नवंबर को, तो क्या फल मिलेगा आपको ग्रहों के इस परिवर्तन से, ग्रह कहाँ कहाँ पे हैं सब कुछ समझ में आएगा आपको, राइट। और कोई प्रश्न नहीं छूटेगा आपका, स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रेम, प्यार, वैवाहिक जीवन, भाग्य, करियर, बिजनेस, सब कुछ वीडियो के अंत में बताऊंगा आपको अचूक उपाय। दोस्तों ये कार्यक्रम जन्म राशि चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आप अपने जन्म कुंडली पे विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो नंबर सिर्फ चैनल और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। चलिए फिलहाल करते हैं शुरुआत। ओके, अब आपको ध्यान से सुनना है। मीन राशि आपकी, आपके फर्स्ट हाउस में है राहु, आपके थर्ड हाउस में है गुरु विराजमान, आपके फोर्थ हाउस में है मंगल, आपके सेवंथ हाउस में है केतु, बुध, सूर्य, आपके अष्टम यानी कि एट्थ हाउस में है शुक्र, आपके बारहवें घर में है शनि विराजमान, आपके बारहवें घर में है शनि विराजमान, ठीक है। अभी वक्री भी हैं, मार्गी हो जाएंगे 14 नवंबर को। देखो दोस्तों, अभी ना जब से शनि वक्री हुए हैं ना बारहवें घर में, ये मान के चलिए कि मतलब 2-3 महीने से थोड़ी टेंशन ज़्यादा कह सकते हैं आप, या एंग्जाइटी ज़्यादा कह सकते हैं, या फिर भागदौड़ ज़्यादा, या किसी चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी, या फिर कहीं एक ही जगह पर बार बार चक्कर काटना, या थोड़ा परेशान होना एक चीज़ को लेकर, ठीक है। अब ये शनि हो जाएंगे मार्गी 14 नवंबर को, तो यानी कि आप जिस चीज़ से लेकर बार बार आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा मिल रही थी किसी चीज़ की, आप एक जगह पर चक्कर काट रहे थे, किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान थे, हैक्टिक था किसी भी चीज़ को लेकर, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, लेकिन परेशान थे आप, तो ये मान के चलो कि 14 नवंबर के बाद वो चीज़ें बहुत काफ़ी हद तक बदलाव आएंगे उस चीज़ में। अब चल रही है आपकी शनि की 7.5, समझिएगा आपकी शनि की 7.5 चल रही है, पहला चरण चल रहा है। अब आपकी जन्म कुंडली में मीन राशि वाले व्यक्ति करोड़ों होंगे हमारे भारत में, करोड़ों, ठीक है। तो सबकी कुंडली में शनि की स्थिति अलग होगी, सबका जन्म अलग अलग समय पे हुआ है, अलग अलग साल में हुआ है, तो आपकी कुंडली में शनि कैसे हैं ये पता नहीं। अगर आपकी कुंडली में शनि अच्छे होंगे तो 7.5 आपको परेशान नहीं करेगी, और वहीं अगर आपकी जन्म कुंडली में शनि खराब होंगे तो फिर मान के चलो कि आपको हेल्थ इशू के साथ साथ परिवार में समस्या, या फिर परिवार में कहीं हेल्थ प्रॉब्लम, ठीक है, स्वास्थ्य की चिंता, या फिर भाग दौड़ ज़्यादा, रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत मिलती है 7.5 में। तो एक बार अपनी कुंडली में दिखवाएं कैसी है कुंडली आपकी। दूसरा कि अब आपके स्वास्थ्य के बारे में जान लेते हैं। तीन महीने राहु आपके फर्स्ट हाउस में है, गुरु आपके जो है वो थर्ड हाउस में। देखो राहु फर्स्ट हाउस में कहने का मतलब है कि आपको कोई भी जंक वगैरह फास्ट वगैरह नहीं, क्योंकि राहु फर्स्ट में, वो भी गुरु की राशि में और गुरु थर्ड हाउस में, यानी कि चीज़ें जल्दी लग जाती हैं। जब ऐसी सिचुएशन बनती है तो इम्यूनिटी थोड़ा वीक रहता है, या फिर थोड़ा वेट का गिरना, थोड़ा वेट कम होना, या फिर अचानक से वेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाना, ठीक है, या तो थोड़ा कम होना वेट, या फिर अचानक से बहुत ज्यादा वेट बढ़ जाना, ऐसा थोड़ा बहुत देखा जा सकता है। तो थोड़ा ध्यान दो अपने खाने पीने पे, बाकी ऐसा कोई मेजर नहीं है, थोड़ा माइनर बस खाने पीने पे ध्यान रखना है आपको, अपने इम्यूनिटी पे, ठीक है, क्योंकि ना तो राहु का कोई परिवर्तन है और ना ही गुरु का कोई परिवर्तन है, ठीक है, इसलिए आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। बात करूं आपके पढ़ाई को लेकर, विद्यार्थी कैसी रहेगी आपकी पढ़ाई, पंचम भाव होता है पढ़ाई का, पढ़ाई अच्छी दिख रही है मुझे यहाँ पर, आपके मंगल नीच के हो जाएंगे हालांकि पंचम भाव में, ये थोड़ा बस आपका मन रिलेशन में या फिर ऑनलाइन डिजिटली ज़्यादा ना जाए, थोड़ा इसको फोकस करें, बाकी मुझे पढ़ाई अच्छी दिख रही है। 65-70% आक्रामक रहेंगे आप, बहुत एनर्जी लेवल रहेगा आपके अंदर, लेकिन हाँ बस ये है कि एक रिलेशन और एक ये डिजिटल, यहाँ पर आपका मन थोड़ा जाएगा ही जाएगा, और क्योंकि मंगल है, मंगल टेक्निकली यानी कि टेक्निकली ज़्यादा मन आपका जा सकता है पंचम भाव में, मंगल नीच के रहेंगे, और गुस्सा आपके अंदर रहेगा ज़्यादा, अग्रेशन ज़्यादा रहेगा, इस पर कंट्रोल करना, या आपकी पढ़ाई पे, आपके रिलेशन पे फ़र्क डाल सकता है। और सबसे अच्छी पढ़ाई कब रहेगी आपकी वो भी बता देता हूँ, एक तो 17 अक्टूबर से पहले आपकी पढ़ाई अच्छी है, और फिर 16 नवंबर के बाद, ठीक है, यानी कि मिड अक्टूबर से लेकर मिड नवंबर के बीच में आपकी पढ़ाई उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं रहेगी, मिड नवंबर के बाद आपकी पढ़ाई जो है वो ज़्यादा बेटर देखी जाएगी। लव रिलेशन की बात करूं दोस्तों, लव रिलेशन में कुछ
प्रॉब्लम्स दिख रही हैं, क्योंकि मंगल पंचम भाव में नीच के होंगे, यानी कि जिनके साथ आप हैं, जो आपके साथ में लव रिलेशन में है ना, उनके अंदर बिना वजह का गुस्सा या छोटी छोटी बातों को लेकर ज़्यादा गुस्सा या छोटी छोटी बातों को लेकर जल्दी से इरिटेट या फ्रस्ट्रेट हो जाना, राइट, ऐसा देखा जा सकता है। क्योंकि मंगल पंचम भाव में रहेंगे, फिर अपनी चलाना या डोमिनेट करना ऐसा थोड़ा बहुत देखा जाएगा, अगर ये थोड़ा कंट्रोल कर लिया तो लव रिलेशन अच्छा है। लेकिन आपके भी फर्स्ट हाउस में राहु हैं गोचर में, आपके चंद्रमा के ऊपर, आप भी शंका करना, शक करना, डाउट्स, कंफ्यूजन, ये आपके अंदर भी हो सकता है और ये बिना वजह की फाइट करवाता है, इसका ध्यान दीजिएगा। वैसे मुझे यहाँ पे लव रिलेशन एवरेज दिख रहा है इन 3 महीने के अंदर, क्योंकि यहाँ पे सूर्य भी आपके 8th हाउस में आएंगे, फिर मंगल पंचम भाव में नीच के, गुरु आपके 3rd हाउस में, तो आपकी स्वयं की गलती की वजह से लव रिलेशन में थोड़ी परेशानी होगी, ये ध्यान रखना। बस नेगेटिव पॉजिटिव बताने नहीं आता, एग्जैक्ट जानकारी। वैवाहिक जीवन की बात करूं दोस्तों, वैवाहिक जीवन सही है आपका, अच्छा है, बस यह है कि आपको 15 अक्टूबर से लेकर अक्टूबर तक, उसके बाद 15 अक्टूबर से लेकर 30 अक्टूबर तक आपको ध्यान रखना है, फिर आपका नवंबर का महीना आपके लव रिलेशन, आपके वैवाहिक जीवन को लेकर अच्छा दिख रहा है, ठीक है। नवंबर का महीना वैवाहिक जीवन को लेकर अच्छा है और दिसंबर का महीना भी अच्छा है। दिसंबर के महीने में आप कहीं घूमने फिरने जा सकते हैं अपने लाइफ पार्टनर के साथ में, या फिर आप कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं, फिर आप कहीं कुछ आइडियाज़ आपके मन में जो डिसीजन लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं दिसंबर के महीने में, ठीक है। सिर्फ एक मिड अक्टूबर से लेके अक्टूबर तक का महीना थोड़ा ध्यान रखना आप, ठीक है, एंड अक्टूबर, बाकी तो यहाँ पे नवंबर दिसंबर आपकी मैरिड लाइफ को लेकर अच्छे दिख रहे हैं। अगर मैं भाग्य की बात करूँ और करियर की बात करूँ, सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक, भाग्य के स्वामी बनते हैं मंगल, मंगल नीच के होंगे और आपके लाभ स्थान को देखेंगे। भाग्य अच्छा है लेकिन मंगल होंगे नीच के, बैठे तो अच्छे हैं त्रिकोण में लेकिन मंगल होंगे नीच के, यानी कि आपका भाग्य में जो भी काम आप करेंगे, जिस चीज में आप हाथ डालेंगे, थोड़ी सी परेशानी होगी लेकिन वो काम जरूर होगा, यानी कि भाग्य अच्छा है। मंगल नीच के हैं, यानी कि जैसे अगर कोई काम आपका होना है 2 दिन में, तो हो सकता है कि वो 4 दिन लगे उस काम को, लेकिन वो काम आपका जरूर होगा, क्योंकि मंगल बैठे त्रिकोण में है और फिर देख रहे हैं लाभ स्थान को, यानी कि एट दी एंड आपके डिजायर्स पूरे होंगे, भाग्य आपका साथ देगा, थोड़ा सा अड़चन होगी बस। करियर की बात करूं, अगर मैं कार्य क्षेत्र की, आपके नौकरी की, आपके बिजनेस की, 10th लॉर्ड जुपिटर 3rd हाउस में बैठे हैं, भाग्य को देख रहे हैं दोस्तों, यहां पर एक सूर्य भी जो है आपके वो 1st हाउस को देख रहे हैं। 17 अक्टूबर से पहले आप कोई भी प्रेजेंटेशन देते हैं, या फिर आप खुद बॉस हैं, या फिर आप खुद मैनेजर हैं, अपनी वॉइस पे और अपने गुस्से पे कंट्रोल करना, या फिर डोमिनेटिंग ना करना किसी भी पर्सन को, या फिर पॉलिटिक्स में ना जाना, क्योंकि जब भी सूर्य 1st हाउस को देखता है ना, तो इंसान के अंदर एक टशन होता है, एक अकड़ होती है, वो कंट्रोल करना, बाकी काम आप कर लेंगे, काम काज को लेकर कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आपका टारगेट बेस्ड जॉब है तो टारगेट भी आपका इजीली हो जाएगा, थोड़ा मेहनत करना होगा, गुरु 3rd हाउस में मेहनत तो करनी पड़ेगी आपको, ठीक है। मार्केटिंग का काम अच्छा रहेगा यहाँ पे, मैनेजमेंट अच्छा रहेगा यहाँ पे, डॉक्यूमेंट का काम अच्छा रहेगा, कंप्यूटर से जुड़ा काम अच्छा रहेगा, काउंसलिंग, कम्युनिकेशन, ये सारे काम अच्छे देखे जाएंगे बस। लेकिन गुरु 3rd हाउस में, यानी कि थोड़ा मन का भटकना, मन का डाइवर्ट होना और कभी कभी काम में मन ना लगना, ये गुरु 3rd हाउस में है क्योंकि। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो आप काम करेंगे, काम हो जाएगा, टारगेट हो जाएंगे अचीव, और जो नौकरी सोच रहे हैं कि उनको नौकरी लग जाए, कि नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, जो जॉबलेस हैं, तो नौकरी बताता हूं आपको कि कब ज़्यादा अच्छे चांसेस हैं, जब सूर्य आएंगे 9th हाउस में, और सूर्य 9th हाउस में आएंगे आपके 16 नवंबर में, 16 नवंबर के बाद और पूरे दिसंबर तक आपको नौकरी मिलने की संभावना ज़्यादा अच्छी रहेगी, और इवन इस टाइम फ्रेम पर आपका जो काम करने का तरीका है वो भी अच्छा रहेगा, काम अच्छा भी रहेगा, परिवर्तन भी हो सकता है और बॉस से नेम फेम भी मिल सकता है। लेकिन अक्टूबर का महीना और मिड नवंबर से पहले ये ध्यान रखना कि बॉस के साथ में आर्ग्यूमेंट्स और आप किसी के साथ में आर्ग्यूमेंट्स और काम करने को टालना ये ना करें। बिजनेस अच्छा दिखाई दे रहा है, बिजनेस आपका बढ़िया दिख रहा है, बिजनेस में डेली इनकम अच्छी होगी, बिजनेस में ग्रोथ भी दिख रही है, ठीक है, बहुत अच्छा है बिजनेस आपका इन 3 महीनों के अंदर। क्या उपाय करने चाहिए आपको? सबसे पहले तो सूर्य को जल चढ़ाइए आप, अच्छा रहेगा। और गुरु आपके थोड़े कमजोर हैं, शत्रु की राशि में है, तो गुरु का बीज मंत्र करें, ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम स गुरुवे नमः 108 बार, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, हनुमान चालीसा करें। कैसे लगे आपको वीडियो, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बने रहिएगा हमारे साथ, धन्यवाद।